तो डिस्प्ले मॉडल की बात को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले बार आपको याद होगा हमने इस तरीके से लाइनें बना दी थी, यानी कि एक्सेस बना दिए थे, उसके बाद हमने साइन कर्व भी बना दिया था। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको ये याद होगा, ये याद होगा और ये भी याद होगा। तो अब हम ये ट्रायंगल वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे और कोई ऐसे आर्बिट्ररी शेप बनाएंगे, इमेज लोड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल आर, यानी कि आप एक पॉइंट लेंगे, किस पॉइंट से रेक्टेंगल को शुरू होना है और आप लेफ्ट और क्योंकि टॉप लेफ्ट पॉइंट देना पड़ेगा आपको, साथ में विड्थ और हाइट दे देंगे आप, क्योंकि रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट बहुत जरूरी होती है। उसी को लेके ये आपका रेक्टेंगल बना देगा। अब आपको विंडो से अटैच करना होगा और जो आप ग्राफिक डिस्प्ले इंजन को देना होगा, ये आप इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये देखिए, ये ट्रायंगल की बात यहाँ थी, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। देखिए रेक्टेंगल बन गया। अब जैसे मैं बात कर रहा था ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का देखिएगा इसमें हमको करना क्या पड़ेगा कि हम ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, एक पॉलीगन है। तो सबसे पहले हम पॉलीगन लेंगे, पॉली करके इसमें तीन पॉइंट डालेंगे, एक दो तीन, उसको रेड कलर कर देंगे, थोड़ा स्टाइलिंग और कर देते हैं, लाइन को डैश कर देंगे, यानी कि रेड कलर की लाइन जाएगी वो इस तरीके से डैश में आएगी और फिर हम अटैच कर देंगे पॉलीगन को विंडो से और उसको दिखा देंगे। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया डैश्ड में। इसी तरीके से आपका यहाँ पर ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल बनाना बहुत आसान था। और उसके बाद हम आए अपने नेक्स्ट डेमो पे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये एक आर्बिट्ररी शेप बनाए लेकिन वो इसकी तरह बिल्कुल सेम दिखे। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिएगा, हम एक क्लोज्ड पॉलीलाइन लेते हैं, यानी हम कोई रेक्टेंगल नहीं बना रहे हैं, रेक्टेंगल के लिए डायरेक्ट रेक्टेंगल अवेलेबल है, हम पॉलीगन से रेक्टेंगल बनाएंगे। कैसे, क्लोज पॉलीलाइन लीजिए, यहां पर उसका वेरिएबल बना लीजिए पॉलीरेक्ट, इसमें एक पॉइंट ऐड करिए, ये पॉइंट इस तरीके से चूज करिए कि ये इस तरीके से रेक्टेंगल बनाए चारों, मतलब हम ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रहे हैं और कुछ नहीं है, चार पॉइंट दे रहे हैं, एक दो तीन चार, चारों पॉइंट आ गए। कैनवस 6.1 पे दिखा दीजिए और यहां पर आपका शेप आएगा विच लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, इट इज नॉट अ रेक्टेंगल बट इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। उसके बाद हम एक और काम करते हैं जिसमें हम इस रेक्टेंगल को पांच पॉइंट्स देंगे, यानी कि हम एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर इस जगह पे ना एक और पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा, ये वाली लाइन ऐड करनी पड़ेगी। आप 6.2 पे दिखाइए इसको, देखिए यहाँ पर आपका अब ये कुछ रेक्टेंगल के अलावा रेक्टेंगल की जगह कुछ पॉलीगन दिखने लगा। अब हम फिल करेंगे इसको किस तरीके से, येलो कलर से फिल कर देते हैं, कुछ लाइन स्टाइलिंग चेंज कर देंगे, डैश कर देते हैं इसको, और हम क्या करते हैं नीचे वाला जो था हमारे पास रेक्टेंगल उसको ग्रीन करने की कोशिश करेंगे, उसको भी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। देखिएगा ये आपका येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया, इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर दी। अब हम चाहते हैं कि हेलो ग्राफिक वर्ड लिख दें हम इस पे, यानी कि एनोटेशन भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत आसान है, टेक्स्ट टी पॉइंट बताइए, लाइन लिख दीजिए जो लिखना है, कैनवस नंबर 8 भी दिखाते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पर हेलो ग्राफिक कल वर्ड आ गया, कल वर्ड को थोड़ा बड़ा किया जाए और तो फॉन्ट के साइज भी चेंज कर सकते हैं, हम बोल्ड कर दीजिए, 20 कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए बड़ा हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि इमेज भी दिखाएं इसमें, तो आपको बहुत आसान है, इमेज यहाँ पर जो भी इमेज होगा उसका पाथ दीजिए और पॉइंट दे दीजिए जिस पॉइंट से शुरू करना, सेंटर पॉइंट दे दीजिए, उसको अटैच कर दीजिए विंडो से, दिखा दीजिए उसको कैनवस नंबर 10 पे, यहाँ पर इमेज आ गया। लेकिन आप देखिए इमेज के पीछे की सारी चीज तो छुप गई, तो क्यों ना इसको इस जगह पे यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया जाए, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इसको, तो मूविंग करेंगे, तो इमेज का डॉट मूव फंक्शन हम यूज करेंगे, इस पोजिशन पे कितने मूव करना है, 100 पिक्सल राइट, 200 पिक्सल डाउन, कैनवस नंबर 11 नंबर पे दिखाइए, यहाँ पर आपको ये आ गया। लेकिन देखिए ये पूरा नहीं आया है, एक जेट पॉइंटर अभी नहीं है इसमें, तो ये जो आपने देखा ये आपको आप काट देगा, इसको ट्रिम कर देगा, क्लिप कर देगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सर्कल और इलिप्स बना देते हैं। सर्कल के लिए आपको सर्कल सी, इलिप्स के लिए ई, सर्कल के आपको लिए पॉइंट देना पड़ेगा बीच का और आपको रेडियस देना पड़ेगा, जबकि इलिप्स के लिए आपको सेमी मेजर या सेमी माइनर एक्सिस देनी पड़ेगी, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल रेडियस और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेडियस देना पड़ेगा। कलर इसका रेड कर दीजिए और ये मार्कर डाल दीजिए बीच में एक्स, किस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे, ताकि एक्स दिखाई दे सेंटर पॉइंट पे। फिर आप एक स्ट्रिंग बना लीजिए, स्क्रीन साइज और विंडो साइज ये सब लेके, और टेक्स्ट साइजेस में ये आप ये डाल दीजिए, इस पॉइंट पे आप टेक्स्ट डालेंगे। तो टेक्स्ट डालने का तरीका इस स्ट्रिंग से, आप स्ट्रिंग से आपने स्ट्रिंग बनाई और इस पॉइंट पे टेक्स्ट डाल दिया। अब आप क्या करेंगे कि एक और इमेज ले लीजिए, अगर आप चाहें तो सेंटर पे डाल दीजिए इसको, कैनवस नंबर 12 पे देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए C++ आ गया आपका, ये एलिप्स आ गया, अब इसका सर्कल आ गया, और ये
जो वो एस स्ट्रीम से बनाया था वो स्ट्रिंग भी आ गया। बॉयलर प्लेट का मतलब ये है कि आप ग्राफ डॉट एच और सिंपल विंडो डॉट एच आपको इंक्लूड करनी है। ट्राई के अंदर अपना कोड लिखिए, जो भी अभी हमने कोड देखे हैं उसके अंदर लिखिए, एक्सेप्शन यहाँ कैच कराइए। तो जो भी आपके प्रिमिटिव्स है वो आप यूज करेंगे। ये जस्ट एक एल्गोरिथम और रीडिंग डेटा था पीछे। ये जो जाने स्टाउस्ट्रूप की जो वीडियो है या जो वीडियो लेक्चर्स है वो इस पर डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। ये सब अवेलेबल है फ्रीली इंटरनेट पे। तो इस पर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, तब तक।